ठंड का पारा लगातार गिरता जा रहा है और इस ठंड के बीच हमारा अन्नदाता सड़कों पर बैठा हुआ है। पिछले 14 दिनों से खुले आसमान के नीचे दिल्ली के बॉर्डर्स पर ये किसान सोने के लिए मजबूर हैं। हालांकि सरकार से इनकी बातचीत तो हो रही है, लेकिन जो इनकी मांगे हैं सरकार उस पर अब तक सहमत नहीं हो पाई है और शायद इसीलिए इस पूरे आंदोलन का कोई नतीजा निकलता हुआ फिलहाल तक तो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही सरकार के नए प्रस्ताव को किसानों ने खारिज किया, इसके बाद दिल्ली की ओर कूच करने वाले किसानों की संख्या में आशंका जताई जा रही है कि बहुत जल्द इजाफा होने वाला है, क्योंकि देश भर के अलग अलग किसान जैसे ही बुधवार को सरकार का नया प्रस्ताव यहाँ के किसानों ने खारिज किया, उसके बाद उन लोगों ने भी तय किया है कि वो अब सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर या फिर टिकरी बॉर्डर की ओर कूच करेंगे। और शायद यही वजह है कि यूपी के अलग अलग सड़कों पर आपको अब किसान दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ ब्रजेश तिवारी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9।